जिले की सुरनकोट तहसील मुख्यालय पर स्थित जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस की 6वीं वाहिनी के मुख्यालय में रात को जो है एक संदिग्ध धमाका हुआ है और देख सकते हैं उसके बाद जो है लगातार यहां पर सुरक्षा बलों के अधिकारी पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके की जो है वो जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बड़े अधिकारी जो है सुरक्षा बलों के वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ इस बात की जाँच की जा रही है कि ये धमाका क्या था। यही जो परिसर है इसके अंदर ही जो धमाका हुआ है और यहाँ पर जो है कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, उन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और उनको भी नुकसान पहुँचा है और उसके बाद से लगातार इस बात की जांच की जा रही है कि यहाँ पर यह किस प्रकार का धमाका था, क्योंकि इससे पहले भी सुरनकोट तहसील के मुख्य बाजार के पीछे एक मंदिर में जो है ग्रेनेड धमाका हुआ था जो पिछले महीने हुआ था और जिसके बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा काफी कड़े बंद थे, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर इस प्रकार का धमाका होना ये कहीं एक संकेत है कि पुंछ जिले के अंदर किसी न किसी तरह से जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो अपने नाकपाक हरकतों को अंजाम दे रही हैं और इसी प्रकार जो है यहाँ पर वो अपनी कोशिश कर रही हैं कि ताकि यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर हालात खराब की जाए। आपको बता कि सुरनकोट जो है काफी संवेदनशील इलाका रहा है और आतंकवाद के दौर में यहाँ काफी हालात जो खराब थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक अमन आया था, शांति आई थी, लेकिन उसके बाद इस प्रकार के धमाके होने कहीं ना कहीं चिंता का विषय है सुरक्षा बलों के लिए भी, आम लोगों के लिए। मुनीश शर्मा, न्यूज़ इंडिया नेटवर्क।